अरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हमारी यात्रा का आज चौथा दिन है। तो आज हम बाहर से ऑटो टैक्सी पकड़ के और हरि नाम संकीर्तन करते हुए नवदीप धाम यात्रा के लिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे हैं और आप आज मैं आपको नवदीप धाम मंडल का दर्शन कराने जा रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अभी हमारे यहाँ से सब भक्त जन यहाँ से आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम ऑटो करके और निकलेंगे नवदीप धाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, और सभी भक्त एकत्रित हो चुके हैं यहाँ पर। तो चलिए आप वीडियो बने रहें और मेरे साथ चलिए। आइए, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अरे कृष्णा दोस्तों, तो हमने यहाँ से आप पकड़ लिया बैटरी रिक्शा। तो हम लोग बैटरी रिक्शा में यहाँ से जा रहे हैं और आगे टेंपल पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं श्री श्री जगन्नाथ टेंपल पे। तो अभी आप ये देख रहे होंगे इतना हरियाली यहाँ पर, ये दीवार के साथ साथ हमारा जा रहे हैं टेंपल की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं, ये हमारे सामने साथ बैठे हैं प्रभु जी, बैठे हैं साथ में। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आइए हम चलते हैं आगे टेंपल पे। और ये पीछे हमारी टीम आ रही है जो हरि नाम संकीर्तन करते हुए आ रही है, जो कि आप देख सकते हैं। और एक टीम आगे जा रही है। तो दोस्तों ये आ गया श्री श्री जगन्नाथ टेम्पल। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहें। वीडियो को पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें। और ये आप उतर गई एक हमारी कीर्तन मंडली की टीम। और चलिए दोस्तों, तो और ये भक्तजन भी यहाँ से उतर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराता हूँ मैं। हरे कृष्णा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कीर्तन मंडली टीम जो है अपनी। तो अभी यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। और यहाँ पे कीर्तन करते हुए हम लोग जाएंगे अंदर टेंपल में। तो दोस्तों आइए कीर्तन का आनंद लीजिए और चलते हैं अंदर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। का एक पौधा उगाया था, हरि बोल जगन्नाथ बलदेव और धर्म महारानी की। तो ये जगन्नाथ जी हैं, ये बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, भक्त आध्यात्मिक इच्छाएं विशेष रूप से, भौतिक इच्छाएं भी अगर किसी की हैं तो जगन्नाथ जी पूरी करते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा कि आपकी अगर कोई आध्यात्मिक इच्छा है तो जगन्नाथ जी के सामने आप अपना हृदय प्रकट कीजिए, जगन्नाथ जी निश्चित रूप से आपको रसिक भेंट करेंगे। हरि बोल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।
तभी फटाफट हम पीछे चलेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे सीमंत्री देवी के, उसके बाद यहाँ पे शेष नाम है शिवलिंग है, और उसके बाद फिर हम जो है चांद काली का भी चलेंगे। हरे कृष्ण से निकल चुके हैं दोस्तों। तो अब हम जा रहे हैं चांद काजी के समाधि पे, जो चांद काजी के पत्थर की समाधि में है, और यह इस समाधि में से एक वृक्ष निकला है काफ़ी बड़ा, जो चंपक वृक्ष के नाम से है, और इस वृक्ष में से 24 घंटे हमेशा 12 महीना फूल आते हैं। और दोस्तों ये 500 साल पुराना पेड़ है, एकदम खोखला हो चुका है, लेकिन ऊपर से बिल्कुल हरा भरा है पेड़, आप देखेंगे तो। और चलिए दोस्तों, इस फूल में, इस वृक्ष में हमेशा ही फूल खिले रहते हैं, और ये वृक्ष अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है, सूख गया, लेकिन दोस्तों यह वृक्ष बहुत ही हरा भरा रहता है ऊपर से। और यह, और दोस्तों आप यहाँ पे गोवर्धन पर्वत का दर्शन कर सकते हैं, जो हम लोग आप हरि नाम संकीर्तन करते हुए यहाँ से दर्शन कर रहे हैं। हरे कृष्ण
और वहाँ पे पीछे लक्ष्मी नरसिंह और गौर गदाधर का मंदिर है, और यहाँ पे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि है, ठीक है, भक्ति कथा लेगी। तो ये सब देखिए, अब हम चलते हैं गीता भवन, उसमें जो है आप अभी रूम में नहीं जाएंगे, उससे पहले एक प्ले होगा बाहर, और उसके बाद फिर आपके लिए प्रसाद 8:30 बजे होगा। आज हम प्रस्तुत करेंगे आप सभी के बीच में, आप सभी हमारे लिए प्रेयर करें कि हम आप सभी की सेवा और भी अच्छे से कर पाए और महाप्रभु हमारी सेवा से प्रसन्न हो। हरे कृष्णा। मैं परे हो तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष के समान सहनशील होकर, मिथ्या मान की कामना ना करके, दूसरों को सदैव मान देकर, तुम्हें सदा श्री हरि नाम संकीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा दोस्तों, तो आज है हमारा 5वां दिन। तो दोस्तों आज हम यहाँ से बाहर जाने वाले हैं, बाहर से सभी भक्तजन ऑटो पकड़ करके, और हम जाने वाले हैं दोस्तों यहाँ से एक चक्रधाम। तो चलिए दोस्तों आपको एक चक्रधाम पे दिखाते हैं और वहाँ पे दर्शन कराता हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और अभी अभी मॉर्निंग का टाइम है, ये आप सामने देख सकते हैं, इतना सुंदर और शानदार नज़ारा है। और ये सामने आप देख रहे होंगे इस्कॉन टेम्पल मायापुर का आपको नज़र आ रहा है, और उसके बाद आप हरे कृष्णा दोस्तों। तो अब हम जा रहे हैं चक्रधाम, तो एक चक्रधाम। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे कि यहाँ से कीर्तन करते हुए सभी भक्त लोग जाएंगे। तो हरे कृष्णा दोस्तों, तो अब हम उतर चुके हैं एक चक्र धाम पे। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी रुक चुकी है दोनों तीनों, और ये प्रदीप प्रभु जी जा रहे हैं आगे आगे, और अभी हम आपको दिखाएंगे इस्कॉन टेंपल एक चक्र धाम का। तो ये सामने आप देख रहे हैं इस्कॉन टेंपल है एक चक्र धाम का। तो अभी यहाँ पर हम रुकेंगे और यहाँ से हम लोग प्रसादम इत्यादि पा करते हैं, और फिर टेंपल का दर्शन करेंगे और आपको टेम्पल का दर्शन दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहें। और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट प्रसाद था, एकादशी और सारा एकादशी का था, बहुत ही अच्छा सिंपल सोलह। कुछ भक्त प्रसाद पा रहे हैं, और प्रसाद पा लिया, कैसे लगा? बहुत आनंद आया, आनंद आया। जहाँ पे जिस तरह से हम सब प्रसाद खाएंगे उससे वो साइड इफेक्ट में कोई नुकसान नहीं होता जी। अगर हम दिल्ली की गए हैं जहाँ बर्गर पिज्जा खाने लगे तो बहुत नुकसान पहुँचाएगा। अरे जी, अरे कृष्ण भाई जी, प्रसाद पा लिया जी? हाँ जी, बिल्कुल। कैसा लगा प्रसाद? बहुत बड़े प्रसाद था भाई, एकादशी प्रसाद था, बिल्कुल डाइजेस्टिव, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण, हरे बोल। माता जी प्रसाद कैसा लगा? बहुत बढ़िया प्रसाद था, बहुत ज्यादा अच्छा। अच्छा, एकादशी, एकादशी प्रसाद वेरी टेस्टी। अरे वाह, हरे राम।
बकासुर का वध किया था। तो दोस्तों वहाँ पर अभी हम जो जाएंगे तो वहाँ पे प्ले भी होगा, एक तो प्ले भी आपको दिखाएंगे। सारे तीर्थों को जो है कि यहाँ पे प्रकट किया और इसलिए यह तीर्थ यहाँ पर उन्होंने अपने एक चक्र धाम में इस तीर्थ को प्रकट कर दिया है। हरि बोल। हरे कृष्णा दोस्तों, तो अभी देख रहे हैं आप सामने यहाँ पर कीर्तन चल रहा है और सभी भक्तजन यहाँ पे कीर्तन करके और फिर हम चलेंगे यहाँ से कीर्तन करते हुए दूसरे टेंपल। ये सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉरनर भी हैं, जो फॉरनर भक्ति में लीन हो रहे हैं, सारे फॉरनर यहाँ पे रशियन भक्त हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा दोस्तों। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से बोटिंग से गंगा नदी पार करके, तो उसके बाद हम जाएंगे अपनी काम पे। तो अभी ये प्रभु जी से बात करेंगे थोड़ी बार, यहाँ प्रभु जी खड़े हैं। दोस्तों यहाँ से आप बोट में बैठ करके नदी पार कर सकते हैं, मात्र 10 रुपये में आपको यहाँ से बोट नदी पार करा देगा। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी बोट होती है, बोट में करीब 200 आदमी एक साथ बैठ सकते हैं और काफ़ी बड़ी बोट है ये। तो 10 रुपये में ये बोट आपको नदी पार कराएगी यहाँ से।
हरे कृष्णा दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और दोस्तों आप पार्ट फोर मैं यहीं पर विराम देता हूँ। तो दोस्तों अब नेक्स्ट दिन आपको पार्ट फाइव मिलेगा जो लास्ट लोग होगा। तो दोस्तों वीडियो को जरूर देखें। हरे कृष्णा, धन्यवाद।